Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin and in another episode of Gyani Guru Bar. And today we are going to talk about different types of knee guards that are available at Room Store. मैंने एक साल पहले या I think एक आध साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैंने आपको ये कहा था कि क्या आपको राइडिंग पैंट ऑप्ट करनी चाहिए या आपको नी गार्ड ऑप्ट करना चाहिए. एक और वीडियो मैंने बनाया था कि आपको राइडिंग पैंट, राइडिंग जीन्स और नी गार्ड में से क्या ऑप्ट करनी चाहिए. आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि हम नी गार्ड अगर ऑप्ट कर रहे हैं, जब भी आप एंट्री लेवल बाइकर हो, मतलब आप जस्ट बाइकिंग वर्ल्ड में आ रहे हो और आप जस्ट बाइकिंग चालू कर रहे हो एंड यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल विद राइडिंग पैंट, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड जब आप अचानक से वो हेलमेट पहन लेते हो, जैकेट पहन लेते हो, पैंट भी पहन लेते हो, बूट पहन लेते हो, तो आप बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हो. मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ है जब मैंने फुल फेस हेलमेट पहना था फॉर द फर्स्ट टाइम. वो जो फर्स्ट टाइम की चीज़ें हैं ना, कभी लाइफ से नहीं भूल सकते हैं, कोई भी बाइकर कभी नहीं भूल सकता है. इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप एंट्री लेवल बाइकर हो, जस्ट आप बाइकिंग वर्ल्ड में आ रहे हो, तो नी गार्ड इज़ अ गुड चॉइस. और जैसे जैसे आपको आदत हो जाएगी ना, आफ्टर 3 months और आफ्टर 4 months, ऑप्ट फॉर राइडिंग पैंट. एंड राइडिंग पैंट इज एन आइडियल थिंग टू हैव गाइस, स्पेशली व्हेन यू आर इनटू फास्ट बाइकिंग, व्हेन यू आर टूरिंग, यू आर गोइंग टू माउंटेन्स और जहाँ पर भी राइड कर रहे हो, राइडिंग पैंट इज द सेफेस्ट. यमराज कब दस्तक देते किसी को नहीं पता है. तो मेक श्योर करो गाइस कि जब भी आप टू व्हील्स पे हो ना, बहुत बारी ऐसा मुझे भी होता है कि ग्लव्स निकाल के चलते ना यार, नाखून दुख रहे हैं, या फिर GPS की नेविगेशन करनी है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है. छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना राइडिंग गियर उतारने का मन करता है और ऐसा लगता है कि इसको हम बंजी से कहीं तो बांध देते हैं, बाद में 1-2 किलोमीटर के बाद पहन लेंगे. लेकिन वो 1-2 किलोमीटर ही सबसे ज़्यादा क्रूशल होती है और गलत हाथ से वही 1-2 किलोमीटर के दरमियान हो जाती है. सो जस्ट ट्राइंग टू टेल यू गाइस, मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग. जब मैंने राइडिंग चालू किया था ना, मैंने इनफैक्ट लद्दाख राइड भी, मैंने और सचिन ने लद्दाख राइड भी नी गार्ड पर किया हुआ है गाइस. तो नी गार्ड आपको सेफ कर लेगा. मेरी क्रैश हो चुकी है नी गार्ड पे, और नी गार्ड के वजह से इनफैक्ट वो तो 200-300 की नी गार्ड मैंने पहनी थी उस टाइम पर, और वो टाइम पर वो नी गार्ड ने तक बचा लिया था मुझे. मतलब जैसे किरण ने बोला था, हम लोग ने 500-600 का नी गार्ड ही पहन के गए थे, बिकॉज बैक इन 2015 वो टाइम पे उतने जो है ना ऑप्शंस नहीं थे, तो दैट्स द रीजन हम लोग ने वो वाले नी गार्ड लेके गए थे. तो अभी फटाफट हम लोग नी गार्ड के बारे में बात करेंगे कि कौन सा नी गार्ड अच्छा है, कौन सा नी गार्ड का प्राइसिंग क्या है, क्या क्या फंक्शंस है, सब बात करेंगे. ये मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, दिस इज वन ऑफ आर हॉट सेलिंग नी गार्ड. दिस इज क्वाइको का K12. दिस इज अ बायोनिक नी गार्ड. इसमें K11 भी आता है, विच इज नॉट अ बायोनिक, एंड दिस लुक्स रियली नाइस. ये वाला नी गार्ड जो है ना काफी अच्छा है. तो बायोनिक मतलब ये आपका एक्चुअल नी मूवमेंट जैसा होता है ये, एंड ये जो ट्रांसपेरेंट जैसा है ये काफी रिजिड होता है, तो दिस विल डेफिनेटली सेव योर लेग, और ये लेंथ में भी काफी लंबा है, तो आपका एंटायर लेग विल बी कवर्ड अगर आप राइडिंग बूट भी पहनते हो तो. तो दिस इज स्क्वाइको का K12. सो ये है स्क्वाइको का K11, विच इज ऑफ कोर्स अफोर्डेबल देन K12 का जो रहता है नी गार्ड. इसमें आपको नी गार्ड भी रहता है और एल्बो गार्ड भी रहता है, इन केस अगर आपको पिलियन है आपके साथ और अगर पिलियन को पास जैकेट नहीं है, तो वो एल्बो गार्ड और नी गार्ड दोनों ये लेकर पहन सकता है. बहुत सारी जो पिलियंस होती हैं वो फीमेल्स होती है, तो फीमेल को कभी कभी है ना वो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते हैं और दे आर लाइक कि मुझे 1-2 राइड्स ही करनी है, मैं ज़्यादा राइड्स करने वाली हूँ नहीं. उस टाइम के लिए ना ये एल्बो गार्ड और नी गार्ड उनके लिए इनफ हो जाएगा. अगर जैकेट दिला सकते हो तो नथिंग लाइक इट गाइज, क्योंकि जो राइडिंग जैकेट होती है वो आपको आराम से 3-2 साल तो आराम से चल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ये है आपका एल्बो गार्ड और ये है आपका नी गार्ड. ये जो नी गार्ड है, जैसे सचिन ने बोला, वो बायोनिक नहीं है. जैसे K12 में बायोनिक होता है, वैसे K11 में बायोनिक नहीं होता है. इसका डेमो हम लोग आपको देंगे, आपको ये बताएंगे कि जो नी गार्ड होती है, जो एल्बो गार्ड होती है, वो किस तरीके से पहनी जाती है, उसकी एक ट्रिक है गाइस, वो भी बताएंगे आपको. दिस इज K11 फ्रॉम स्क्वाइको. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट नी गार्ड जो हम लोग ने लेटली स्टोर पर इंट्रोड्यूस किया है. हम लोग ने ये यूज करके देखा, इसका फीडबैक पड़ा, क्लाइंट लोग ने बहुत अच्छी फीडबैक दी थी, तो और हम लोग को ये बहुत अच्छा लगा है. छोटू सा है ये, मैंने बहुत बारी देखा है कि जब भी कोई बाइक चलाता रहता है ना या कोई सिखाता रहता है, तो वो हेलमेट नहीं पहनते, वो नी गार्ड नहीं पहनते, एल्बो गार्ड नहीं पहनते, और उसकी वजह से वो गिर जाते हैं. सेम मेरे साथ भी हुआ था जब सचिन मुझे बाइक सिखाता था, उस टाइम पे मैंने कहा था कि नहीं मैं नी गार्ड नहीं पहनूंगी, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, और मैं एक टोल नाका पे जाकर गिर गई और मेरे घुटने में अभी भी दर्द है. अब 8-9 साल पहले की बात है और अभी भी हर ठंडी में मुझे दर्द आती है. तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी को बाइक सिखा रहे हो ना, मेक श्योर करो कि उनको बोलो कि हेलमेट, नी गार्ड और एल्बो गार्ड एटलीस्ट पहनो, और एक 500 चीज़ों
होगा, जो नॉर्मल सी ग्लव्स आती है ना वो भी चलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ पहन के सीखो, क्योंकि मुझे पता है कि जब बाइक सीखते रहते हैं ना उस टाइम पे हम खुद स्केप्टिकल रहते हैं कि क्या हम एक्चुअली में ये करना चाहते हैं कि नहीं है। जब मैं भी बाइक चलाना सीख रही थी ना उस टाइम पे मैं भी बहुत स्केप्टिकल थी कि क्या मैं इतना ज़्यादा राइड कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट मैंने खुद को ही सरप्राइज़ किया, सचिन को भी सरप्राइज़ किया, एंड टुडे मेरे पॉकेट में 300,000 किलोमीटर्स है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि गिरने से डरना नहीं है आपको, सेफ्टी गियर्स पहनोगे सब मस्त होगा। तो ये वाली जो नी गार्ड है वो बहुत ब्यूटीफुल लुकिंग नी गार्ड है, ये जो लोग ट्रैकिंग करते हैं वो भी पहन सकते हैं क्योंकि छोटू सा है, अगर आप टूरिंग कर रहे हो तभी भी पहन सकते हो, ये आप आपके जीन्स के अंदर भी पहन सकते हो, ऊपर से अगर आपको नहीं पहनना कंफर्टेबल होता है तो। नाउ गाइस, नेक्स्ट जो नी गार्ड मैं बताने वाला हूँ काफी लोगों को उसके बारे में पता रहेगा, बिकॉज हम लोग ने भी इसके जो एकदम अफोर्डेबल वाले जो नी गार्ड रहते हैं वो वाले यूज किए थे, ये प्रो बाइकर के है, ये आपको मार्केट में काफी मिलेंगे और काफी इसके वेरिएंट्स भी आते हैं, वेरी चीप भी नी गार्ड आते हैं प्रो बाइकर में, बहुत ज्यादा वो हम लोग नहीं रखते। ये वाला जो है बहुत अच्छा नी गार्ड है, इसमें दो वेरिएंट आते हैं, तो ये वाला एक वेरिएंट है एंड और एक वेरिएंट मैं बताता हूँ, ये भी प्रो बाइकर का भी है लेकिन दिस इज मच मोर प्रीमियम देन दिस मॉडल, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि प्रो बाइकर का कोई भी नी गार्ड ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज फोटो एक नी गार्ड का दिखाते हैं एंड आपको डिलीवर कुछ अलग होता है, सो दैट थिंग विल नॉट हैपन इफ यू आर शॉपिंग फ्रॉम रूम स्टोर। तो ये वाला नी गार्ड बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी है। अब देखेंगे सी रेटेड नी गार्ड्स में से, सो ये है राइनॉक्स का बैस्टियन नी गार्ड विच इज अ एक्सेलेंट नी गार्ड एट 3950। ऑब्वियसली राइनॉक्स का है, राइनॉक्स का बैस्टियन नी गार्ड काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है, अंदर आपको जो पैडिंग है काफ़ी प्रीमियम रहेगी, सी रेटेड है इसलिए आपको काफ़ी कुछ नहीं इसमें मिलेगी। सो इसका अभी हम लोग डेमो देखेंगे कि कैसे इसको पहन सकते हैं। अभी नी गार्ड पहनने का भी एक तरीका होता है गाइस, तो उसको हम लोग आपको अच्छे से बताएंगे कि नी गार्ड किस तरीके से आपको पहनना है सो दैट वो आपके लिए कंफर्टेबल भी रहे और जब आप चलकर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो तो वो बार बार नीचे ना सरके। तो ध्यान से इसका डेमो देखिए आप। अभी ये जो है वो आपको ये आपका ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा एक स्ट्रैप, पहले तो ये दो है उसको आपको ऐसे करना है और फिर यहाँ से इसको भी आपको टाइट करना है, तो इसमें डबल स्ट्रैप्स दी हुई है आपके लिए, सो दिस हाउ इट हैज टू बी, इवन दिस स्ट्रैप गोज हियर, सो दिस इज हाउ कम्फर्टेबल दिस इज, सो दिस इज हाउ इट इज, पीछे से ऐसा रहेगा, ये पूरा आपका नी कवर किया है इसने। तो अभी हम लोग ये राइनॉक्स का बैस्टियन नी गार्ड देखेंगे कैसे पहनते हैं। तो सबसे पहले जो है ये टॉप वाला जो बेल्ट है वो लगाएंगे, दिस इज क्वाइट ईजी, इमीडिएटली होता है। देन जो ये सेकेंड वाला है आपका स्ट्रैप वो आपके काफ के ऊपर डालना है आपको, तो ये ऊपर से डाल के यहाँ पे बस, एंड देन यू कैन एडजस्ट इट ऑल्सो, देन ये ऐसा, तो ये आपका ऐसा प्रॉपर बायोनिक मूवमेंट हो जाता है। इसका अनमाउंट करना इजी है काफ़ी, ये देखो ये सिर्फ इसको स्लाइड करना है, सो बी केयरफुल। बाइकर के दो नी गार्ड्स है, दोनों का डिफरेंस बताता हूँ और उससे आपको समझ में आएगा कि क्वालिटी कौन सा बेटर है। आई डेफिनेटली रेकमेंड दिस ओवर दिस, तो दोनों का दिखाता हूँ, पहले ये वाला पहन के दिखाएंगे। तो इसका बेसिक मैकेनिज्म है, ये लूप में से इसको सिर्फ निकालना है, तीनों को पहले लूप में से निकाल लो, प्लेस इट ऑन टॉप ऑफ योर नीज, सबसे पहले सबसे ऊपर वाला ट्रैप है वो लगाओ, देन ये सेकंड वाला भी, एंड नाउ द थर्ड वन, ये हो गया आपका थर्ड। सो यहाँ पे बीच में कुछ सपोर्ट नहीं है बट आपका एक्चुअल कैप पे यहाँ पे शिन पे और ये नी पे अच्छा खासा प्रोटेक्शन है। देन ये वाला जो है इसके बारे में बात करेंगे, सो इसको ऐसे ऊपर रखो, एंड ये ऊपर वाला जो बेल्ट है ना ये काफ़ी ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू दिस नी गार्ड, तो इसको ये लूप में डालो एंड देन यहाँ पे डाल दो इसको, एंड देन ये जो है ना ये पूरा एक वेलक्रो वाला फ्लैप है, सो दिस विल बी डेफिनेटली कंफर्टेबल फॉर योर लॉन्ग राइड्स।
तो ये मुझे काफ पे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है एज कम्पेयर टू दिस, यू कैन सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये काफी ब्रॉड है और काफ पे एकदम अच्छे से बैठा है एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे स्ट्रैप्स है, तो ये स्ट्रैप्स की वजह से, ये छोटे स्ट्रैप्स है, इसकी वजह से आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में लॉन्ग राइड्स पे थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। सो नाउ वी विल सी K11, ये स्कॉयको का K11 एंड ये K12 दोनों का डिफरेंस देखेंगे और कैसा है। डेफिनेटली ये आप देख सकते हो कि ये बायोनिक है, इसके लिए फिट और अच्छे से बैठा है एंड इट कवर्स द एंटायर नी। तो हम लोग की K11 से पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका जो स्ट्रैप है डेफिनेटली बड़ा है एज कम्पेयर टू प्रो बाइकर का। इसका जो है ये वाला स्ट्रैपिंग मैकेनिज्म भी काफ़ी ईजी है, जस्ट स्लाइड इट एंड ये स्ट्रैप्स आर ऑल्सो वाइडर, तो आपको कंफर्ट भी काफ़ी रहेगा इसमें। ये काफ़ी मेरे नी का नेचुरल मूवमेंट के हिसाब से, ये क्या होता है सिंस दिस इज़ नॉट अ बायोनिक, ये सिर्फ एक पैच है और ये एक पैच है, तो उसकी वजह से इसके जितना कंफर्टेबल ये नहीं लगेगा। सो अभी मैं ये एल्बो गार्ड पहन के दिखाऊंगा। ये K11 का एल्बो गार्ड है और ये प्रो बाइकर का एल्बो गार्ड है। तो एल्बो गार्ड पहनने का जो ट्रिक है वो है कि आपको हाफ टी शर्ट या मतलब शॉर्ट स्लीव या हाफ स्लीव्स वाले टी शर्ट या शर्ट नहीं पहनने, आपको फुल स्लीव टी शर्ट या नॉर्मल जैकेट आपका कोई है तो वो पहनो और उसके ऊपर पहनो, या फिर आप ड्राई फिट मटेरियल पहन सकते हो और उसके बाद में इसके ऊपर आप ये एल्बो गार्ड पहन सकते हो। इसको ऐसा लगा के नहीं करना, इसको सिर्फ आप ना ऐसे आपके थाई पे रखो, ऐसे रखो इसको, इसमें पास करो। आपको टाइट नहीं करना है, ब्लड सर्कुलेशन रोकना नहीं है, आपको सिर्फ कंफर्ट रखना है। मारा मारी भी कर सकते हैं इससे। सो यस गाइस, बी सेफ एंड ऑलवेज वेयर ऑल द राइडिंग गियर्स जो भी पॉसिबल होता है। हम लोग ने भी एल्बो नी गार्ड से स्टार्ट किया था एंड देन इवेंचुअली अपग्रेड ऑल योर राइडिंग गियर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हम लोग ने सारे नी गार्ड्स के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। अगर ये सारे नी गार्ड्स में मैं आपको पूछूं कि आपको क्या सिलेक्ट करना है तो आप क्या बोलोगे? एज अ बिगिनर बाइकर, मैं फर्स्ट टाइम अगर बाइक चला रहा हूँ तो आई विल डेफिनेटली गो विद द स्मॉलर दैट BSDDP वाला नी गार्ड, बिकॉज इट्स अफोर्डेबल नी गार्ड। एंड ऑफिस जाते वक्त ना लंबे वाले नी गार्ड लेके जाने में बहुत इरिटेशन होता है, तो दैट्स द रीजन दैट स्मॉलर नी गार्ड आई विल डेफिनेटली पिक। एंड उसके बाद में 6-8 महीना हो गया एंड मैं रेगुलरली राइड कर रहा हूँ तो आई विल डेफिनेटली गो विथ राइनॉक्स का बैस्टियन नी गार्ड, बट वो कंडीशन में लूंगा अगर मुझे नी गार्ड ही लेना है और राइडिंग पैंट नहीं लेना है। आप नी गार्ड रख सकते हो तो उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको हमेशा सी रेटेड नी गार्ड के पास में ही जाना है, वही नी गार्ड आपको लेना है, बिकॉज इट विल गिव यू लॉट ऑफ सेफ्टी बिकॉज इट्स अ सी रेटेड, प्लस उसका प्लास्टिक एंड अंदर जो भी है फोम वाला जो कुशनिंग होता है उससे आपको इरिटेशन नहीं होगा। ये सारी नी गार्ड्स की जो प्राइजेस है वो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, वहां पर हम लोग ने हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, यू कैन क्लिक दैट लिंक एंड यू कैन चेक आउट द प्राइजेस और क्वालिटी और क्लोजर लुक मिल जाएगा आपको वहां पर। ये वीडियो में भी हमने बहुत क्लोजर लुक देने की ट्राई की है आपको। सो आई थिंक that's all about this video. Yes, that's all about this video. Hope you like this video. Like करना, share करना, subscribe करना channel को. Until then, always wear helmet and keep vrooming. Vrooming करत रहा. सगड़ाना. सगड़ाना. भटकते रहो. भटकते रहो.